हाथी छोड़ ले जहाँ जाऊँ कैसे मेरा व्यवस्थापक मानों को आने से हम नहीं रोक सकते। अरे तो गेट ही रास्ता नहीं बंद कर देंगे, इतना चाहे जहाँ मस्ती में आराम से अपनी लगाए। भैया भैया टेंशन ना ले करो, अब तो तुम ऐसे जाओ क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका, आज काय का जी कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? छठ पर मनाया जा रहा है, जो सुखी षष्ठी का मनाया जाता है, और
ये चक्कर मनाया जा रहा है। कैसे क्या होता है, कितने दिन का मनाया जाता है ये पर्व? ये 36 घंटे का होता है। जो रहता है वो 4 दिन पहले से ही बहुत तैयारियां चलती है, मतलब चलती तो 1 महीना पहले से ही है, लेकिन 4 दिन पहले से उसकी विधि विधान शुरू हो जाता है। हाँ, और जो व्रत रहते हैं ये लोग खीर पूरी खा करके उससे पहले व्रत रहते हैं। जिस तरह से वो करवा चौथ का व्रत रखने से पहले जो फल फ्रूट खा के रहते हैं ना, उस या मतलब कोई भी सर्गी खा करके, उसी तरह से ये व्रत खीर खा करके पूरी खा के रहा जाता है। कितने दिन का होता है, कौन कौन से दिन क्या क्या होता है? 2 दिन का होता है, उससे 2 दिन पहले जो होता है उससे पहले एकदम लौकी की दाल खाई जाती है, और उसके दूसरे दिन जो होता है वो खीर खाई जाती है, और खीर खाकर ही व्रत का उपवास किया जाता है। इसका समापन कैसे होता है? इसका समापन होता है, पहले दिन जो होता है वो शाम के समय अर्घ दिया जाता है। पहले दिन जो दिया जाता है, सूरज के डूबने से पहले व्रती जो होती है वो गंगा जी में खड़ी होकर के वो सूरज को अर्घ देती है, सूरज डूबते समय दी जाती है। और दूसरे दिन जब दिया जाता है तो सूरज को उगने से पहले दिया जाता है अर्घ, और गाय के दूध से दिया जाता है। इसमें सभी फलों का प्रयोग किया जाता है। क्या नाम है आपका? सुनीता जी, ये क्या त्योहार है, क्या मनाया जा रहा है? ये छठ पूजा है जी। कैसे मनाई जाती है और कितने दिन का होता है? उसमें कोई विशेष अनुष्ठान होता है जो आपने जिस तरीके से दीपक सजाए हैं, इसमें क्या क्या विशेष है? डाले जाते हैं, बना के प्रसाद पड़ता है, जय प्रसादी होते हैं। ये मिट्टी का आपका बनाया है, हाँ? है तो ये क्या चीज है और इसकी क्या मानता है? इससे मतलब जो भी आप मांगोगे पूरी होगी जी। इसको क्या बोलते हैं? हाथी और कोसिया। क्या और जो रखता है वो क्या रात में यहीं पर घाट पर रुकेगा क्या? नहीं, घर पर जाके हवन वगैरह भी जी सब कुछ होगा, घर पर पूजा पाठ जी। तो घाट पर नहीं रुकेंगे? कि जैसे पहले जीवन चलता था वैसे ही जीवन चले, सबकी रक्षा करें माता, सबका कल्याण करें, जल्दी से जल्दी इस महामारी से हम लोग छुटकारा पाएं। थोड़ा जो छठ पूजा है, छठ पूजा को लेकर जो है आप लोगों ने क्या मनोकामना पूरी होने के लिए मतलब ये बतौरा किया हुई है? पर जल्दी से जल्दी जो है वो कोरोना हमारे भारतवर्ष से दूर हो जाए और हमारे सारे भारतवासी जो है इससे अपने को फ्री कर सकें। आज इस ऐतिहासिक पर्व पर जो हमारे सभी भारतवासी जहाँ जहाँ भी हैं अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और यहाँ फरुखाबाद में माँ गंगा के तट पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे खंड विकास अधिकारी हैं राजेपुर के उपाध्याय जी, उनकी धर्मपत्नी व्रत हैं और हमारी धर्मपत्नी भी आई हैं इस छठ पूजा में प्रतिभाग करने के लिए। उन्होंने भी पूजा अर्चना किया, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मनोरम दृश्य है। और यहाँ तमाम लोगों ने जो है वो गंगा मैया के शरण में छठ पूजा किया है, और हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र इस कोरोना महामारी से हमारा पूरा जिला, पूरा प्रदेश, पूरा देश मुक्त हो जाए और हम सभी लोग एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें।